ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है और ये स्कूल वाले में आती है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये सॉल्व प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर क्या गिवन होगा, आपको एक स्टील और ब्रास के दो वायर्स गिवन होंगी और दो ब्लॉक्स गिवन होंगे 4 kg और 6 kg। तो स्टील का यंग मॉडल्स गिवन होगा और बल्क मॉडल जो जो ब्रास है उसका भी यंग मॉडल्स गिवन होगा। डायमीटर ऑफ ईच वायर सेम है। क्या निकालना है, इलोंगेशन निकालनी है, डेल्टा एल निकालना है दोनों वायर्स का। तो पहले काम करते हैं स्टील से शुरू करते हैं। स्टील की लेंथ कितनी है, 1.5। स्टील वायर पे फोर्स क्या लगेगी, इस ब्लॉक का वेट प्लस इस ब्लॉक का, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स मिलके 10 kg का इसे खींच रहे हैं, 10 g, राइट। तो यंग मॉडुलस आपको पता है, यंग मॉडुलस से डेल्टा एल लगा के आंसर आ जाएगा। पर जब आप ब्रास के लिए लगाओगे तो लेंथ लोगे 1, फोर्स क्या लोगे, सिर्फ और सिर्फ 6 kg, 6 g, बस डेल्टा एल आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक?